Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Evie and Nano's vlog. मैं हूँ Evie, ये है Nano. और guys आपको मैं बता दूँ, मेरा नाम Evie है, Evie नहीं है, Evie नहीं, it's Evie. Okay. तो हमने ये बताने के लिए vlog बनाया है. हमने ये बताने के लिए vlog बनाया है कि मेरा नाम Evie है, इसका नाम Nano है, उनका नाम पायल है, उनका नाम यशु है. और वो है मुंबई में और हमारे साथ ही रह रहे, मतलब हमारे आस पास ही कहीं तो रह रहे हैं, हमारे साथ तो नहीं रह रहे, हमारे पड़ोसी है वो, थोड़ा सा दूर रह रहे हैं वो हमसे. और एक्चुअली आज क्या डे है? आज 12th. आज है 12th. मैं अभी अभी आई हूँ ऑफिस से. हाँ, मैं अभी अभी आई हूँ ऑफिस से और आते ही मैंने इसको बोला कि तू व्लॉग स्टार्ट कर ले, पर इसने बोला कि ले तू कैमरा पकड़ ले, तू स्टार्ट कर ले. मैंने बोला मैं कैमरा पकड़ ले, उल्टा मत बोल. नहीं नहीं, तो मैं ऐसा नहीं बोला था बिल्कुल भी. फोन ऐसे पकड़ो कि तुम भी आ जाओ. ओके, सबसे खाना पता है. ओके, ओवर एक्टिंग को खत्म करते हुए यहाँ पे हम बढ़ते अपने व्लॉग में आगे, अपने व्लॉग के नेक्स्ट चरण में. तू ही बोल ना. गाइस ये मोबाइल अच्छे लग रहे ना हमारे, दिखाएंगे इंस्टा पे देख लेना. हाँ, तो कल है करवा चौथ, मतलब 13 अक्टूबर को है करवा चौथ. करवा चौथ जैसा कि एक फेस्टिवल है जो है, जो होता है सुहागन के लिए, जिन जो क्या वेडेड होते हैं, वेडेड वाइव्स होते हैं, अपने पति के लिए व्रत रखते हैं लंबी उम्र के लिए, लंबी उम्र की कामना के लिए. तो अब जैसे कि हमारे न्यूली वेड है यशु, और यशु ने तो खैर पहले भी रख लिया था, शादी से पहले भी. तो यशु की अब फाइनली पर शादी हो चुकी है, और शादी के बाद वाला जो करवा चौथ है उस पर जो सरगी लेके जाई जाती है, वो जाती है सास की तरफ से, जहाँ तक मुझे पता है, ससुराल की साइड से. मतलब मेरे को वो आइडिया नहीं है, अगर वो नहीं है तो सॉरी, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो पहले ही सॉरी. पर हम चाहते हैं, तो आप क्लियर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट बता देना. पर हम चाहते हैं कि जब उसकी सारी चीजें अच्छे से पूरी हो रही हैं, तो क्यों ना हर एक चीज जो अब होने वाली है, आगे जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, वो अच्छे से सेलिब्रेट किए जाए. तो हम लोग लेके जा रहे हैं, मैं दिखाती हूँ, इसे दिखाऊंगी. अरे अभी क्यों, मैं दिखाऊंगी. तो हमने की है तैयारी, मैं आगे नहीं जा रहा, बस इतना दिखाएंगे. हमने की है तैयारी, ये है सरगी जो कि हम लेके जा रहे हैं यशो के लिए. तो एक्चुअली उसको पता नहीं है कि हम आने वाले हैं. और सरगी जैसे कि सुबह जिस दिन करवा चौथ होता है, उस दिन सुबह 4 बजे दी जाती है, सूरज उगने के पहले. हाँ, तो हम लोग यहाँ से अपने घर से, मतलब सुबह सुबह उनके घर पहुँच जाएंगे अर्ली मॉर्निंग को ही. तो हम जाएंगे और उसको ही देंगे, सरप्राइज करेंगे और आपको रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि उसको अभी तक नहीं पता है. ये बात पायल को पता है कि हम आने वाले हैं, पर ये बात तो होना चाहिए ना दरवाजा खोलने के लिए. पर ये बात यशु को नहीं पता कि हम आने वाले हैं. यशु को ये पता है कि हम कल रात को करवा चौथ सेलिब्रेशन जब वो कर रहे होंगे तब जाएंगे. तो बस ये दिखाना था. और अब सुबह आपको जब हम निकलेंगे घर से तो वो दिखाएंगे और फिर यशु का रिएक्शन दिखाएंगे कैसा होने वाला है. और हम लोग तो करवा नहीं रखते. कोई बात नहीं, सोते टाइम फैन चलता है. सोने अभी और लाइट चलाई है ये फोन की लाइट, क्योंकि हमें शूट करना था. तो हम बस ये बताने के लिए आए वापस से कि हम सोने जा रहे हैं, और फिर अभी उठना है हमें 2 घंटे बाद, क्योंकि हमें जाना है यशु को सरगी लेने. अभी और रात के 12:15 और 12:15 बज रहे हैं, और हमें 4 बजे उनके घर पहुँचना है. तो घर से निकलना पड़ेगा 3 बजे, है ना? हाँ, तो हमें निकलना है ऐसे. उस टाइम से अब हम 2-3 घंटे सो जाते हैं और मिलते हैं आपको उठ के, नींद लेके थोड़ी सी. सो गाइस, उठ चुके हैं हम और बज रहे हैं 3 बजे उठ के. हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, हम सरगी ले जा रहे हैं यशु के लिए. तो ऑलरेडी आपको दिखा रहा था कि ये प्रिपरेशन हो चुकी है ये एरी, और नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, बट कोई बात नहीं, हम ये जाना ही है एनीवेज. और ये मैंने बनाया है फैनी फेनिया फिरनी, जो भी बोलते हैं. मम्मी बोल रहे थे कि ऐसे ही लेके जाते हैं, पर मुझे पता नहीं था कि इनको बनाना होता है कि नहीं बनाना होता है, बट मैंने बना लिया है फॉर द फर्स्ट टाइम. और गुड मॉर्निंग बाय द वे सबको, क्योंकि 3 बजे गुड मॉर्निंग हो चुकी है. अब मिलते हैं सीधा यशु के घर, उसका रिएक्शन देखेंगे. बस वो गेट खोल दे, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो सो रहे हैं कि जग रहे हैं, मेरे को पायल का भी नहीं पता. सो लेट्स गो गाइस, हम पहुँच चुके हैं यशु के घर, और ये रहा हमारा सामान जो हम लेके आए हैं. अब मैं बजाने वाली हूँ बेल, देखते हैं वो उठे है कि नहीं उठे. लेट्स सी,
मैं सोचा वीडियो चल रही है इनकी, मैं सोचा वीडियो आ रही है। बजा वापस दूसरी बेला, दो बेल बजा चुके हैं। नहीं सबसे पहले डरेगी ये कौन आया। हाँ बेल कैसे बजी? पायल है, पायल है गारंटी। उसने खोल रहा है इसलिए बोल दिया ताकि तीसरी बेल ना बजा दो। कोई मुझे बेड दे दो। थकान पागल है, मैं नॉर्मल नींद आ रही है। अबे खोल रहे हो बोले, क्या कर रही है? अबे खोल भी दे। चलो हम मलाड से पहुंच चुके हैं यहाँ पे, समझ आ रही है तुम्हें? तैयार हो क्या? ए चल रहे हम ऐसे, अबे चलना। हम मलाड से यहाँ पहुंच चुके हैं, तुम्हारी नींद नहीं खुल रही। तुम्हारी सर्गी आई है, तुम्हारी सर्गी आई है। चार बजे तो, चार बजे सर्गी आती है। मैं तो खाती भी नहीं सर्गी। तुम्हें पहले मिली थी क्या कभी? ये बात बताओ, नहीं खाती का क्या मतलब है? मिलती तो नहीं। हाँ तो फिर सर्गी मिलती है तभी खाते हैं ना, शादी के बाद ही मिलती है सर्गी तो। बेटा तुम्हारी शादी हो गई? शादी हो गई मेरी। यस शादी हो गई तेरी। नहीं तुम बिना ब्रश के भी खा सकते हो। हम भी रुकेंगे नहीं वहां पर, हम निकल जाएंगे। ये जाते हैं पर सुबह जाने सामने नहीं यार, अभी जा ही सो जाएंगे फिर आराम से ट्रैफिक चल रहा है। ओके टाटा बाय बाय। तो गाइस यहां पे हमने इनको दे दिया, अभी जब खा रही होगी ना दूध खा देंगे थोड़ी देर, फिर हम निकल जाएंगे यहां से जल्दी से। तो यहां खुल रहा है सभी का सामान। तो क्या अब म्यूजिक दे रही है? इसमें मीठी और फीकी, वो चाशनी वाली मटी है ना? नहीं ऊपर वाली चाशनी वाली और नीचे वाली फीकी वाली, अलग अलग वैरायटीज हैं। ये नमकीन मटी है, ठीक है। अब नाश्ता बताओगे? अब इसमें तो वो है जो छोटा थोड़ा बहुत सामान आता है ना। हाँ वो लगाने वाला। यस मतलब जैसे पर लगाएंगे ना मेकअप। ओके ये तो मेरे पैर पे ही लग सकती है। बस तो मुझे लगा लेगा। हाँ तो प्लेट के प्लेट के नीचे भी कुछ है। अबे प्लेट के भाई, प्लेट के डब्बे के नीचे नहीं तो होने से क्या हो गया? खा लेना बिन को दे दे चला रहा हूं जो मन कर रहा है थोड़ा सा खा ले। ऐसा तो सुबह, ऐसा तो तुम्हें सुबह थोड़ा हैवी खाना चाहिए। खाना तो चाहिए। हेलो ये नहीं सर्गी बन रहा, सर्गी होती है इसलिए ना। ये भी है, इसमें चॉकलेट है। फिर आएगा कुछ सिवैया टाइप। फिर नहीं कहते हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं। ये आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली नानू के चैनल पे। ये तो तुम्हारे ब्लॉग के पहले मिलेगा, ये तुम्हारे करवा चौथ ब्लॉग के पहले मिलेगा क्योंकि सर्गी है। सर्गी तो पहले ही होती है ना करवा चौथ के। तुम पास हो गए। ये फर्स्ट टाइम बनाई है इसने? जो फ्राई किया ये रियलिटी है भाई, 4 बजे उठ के खाया जाता है आज के दिन। मतलब भाई सर्गी मिलती शादी के बाद नहीं खाएगा क्या मतलब है? इसकी मम्मी ने कभी
मुझे। तो आ गई ना इस पर, मम्मी ने भेजी है, मम्मी ने भी बोला कॉल करके उधर से। अब जाएंगे नहीं मम्मी को मिलने। गाइस देखो इस लड़की को, प्यारी बच्ची को बिंदी लगी है यहाँ पे, करवा चौथ ये मना रही है यहाँ पे। क्या चल रहा था तुम लोगों का? चलो जाने का टाइम हो गया यार, इसको इतनी नींद आ रही, देखो वहां से ले जा रही है ये। सुबह 4 बजे हम मैथमेटिक्स सिखा रही हूं यहां पे। चलो भाई सामने पकड़ जरा। अच्छा ओके थैंक यू। बेचारे सुबह 4 बजे उठ के आए, बताओ गरीब लोग। 3 बजे उठे, गरीब लोग मतलब इतना दूर से ट्रैवल करके यार। 3 बजे उठे थे, इसको भी बाय। चल ले तेरे को भी बाय। चलो हो गया बाय। हाँ हो गया बाय। ऐसा लग रहा वापस सेम चीज स्टार्ट हो गई। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। आशु को देखो जरा, आशु को बहुत प्यार आ रहा है। देखो जरा मम्मा पता नहीं कितनी दूर चली गई थी, तो कितनी दूर चली गई थी मम्मा। टाइम क्या हो रहा है? ढोल को छोड़ के 5:30 बज रहे हैं। 5:15 घर आ गए थे, तो अभी हो रहा है 5:15 और ढोल को देख लो कैसे बैठा है खोदी में। नोने का चाहिए, नोने को का चाहिए बताओ, क्या चाहिए उसको? एक चीज चाहिए होती है। नहीं अभी नहीं मिलेगी, दे दे थोड़ी सी। क्यों? हाँ तो आशु को चाहिए चीजी, क्योंकि जब भी हम बाहर से आते हैं तो उसको चीजी देते हैं। एक्चुअली मैं जब बाहर से आती हूँ तब तो उसको चाहिए चीजी, चाहिए नोनू को, नोनू को लड़के को चीजी चाहिए। हाँ तो हम आ चुके हैं घर और हमारी नींद बहुत ज़्यादा, और हमने उनको ऐसे नींद में डिस्टर्ब कर दिया था। यशु तो सो रही थी मस्त, और थोड़ा सा जो मैं बना के लेके गई थी वो थोड़ा सा उसको खिला दिया। बाकी मुझे पता नहीं कि क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं स्टार्टिंग में। अब वो कुछ नहीं खाएगी, एक बार ही खाते हैं मतलब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग वाला, और अब वो कुछ नहीं खाएगी। और हमने फैन बंद नहीं किया, फिर से ऑन वीडियो कर ली नींद में। नींद में हम चलो गाइस मिलता थोड़ी देर में। ऑल लाइट आ गई पूरी गोरियों में। तो मैं गोरी हूँ। बोलो क्या कह रही थी तुम वीडियो में? मैं कह रहा था तुम ही कह रही थी सब कुछ, मैं ही कहूँगी। फिर बोलती है कि भाई इसको बोलने नहीं देती मैं। कोई बात नहीं, तुम बोलो। नहीं बोले, जल्दी बोलना, जल्दी बोलो, जल्दी ये बोलना है कि हम पहुँच गए इसके ऑफिस। अब पता है तू ही कंटिन्यू करेगी, खत्म करना जल्दी। गाइस हम आ चुके हैं ऑफिस, तो हमारा करवा चौथ होता है ऐसे। नहीं आवाज क्या है, कुछ नहीं, धीरे धीरे क्या, कौन है यहाँ पे, जोर से बोल चिल्ला ले। हाँ तो हम आ चुके हैं ऑफिस, और हमारा करवा चौथ ऐसे सेलिब्रेट होता है क्योंकि हम लोग तो व्रत रखते नहीं एक दूसरे के लिए। नहीं एक्चुअली करवा चौथ जैसे शादीशुदा लेडीज के लिए रखा होता है, मतलब वही रखते हैं अपने हस्बैंड के लिए। तो हम लोग सिर्फ मम्मियों को देखते हैं, मम्मी सज के आती थी तो हम इंजॉय करते थे। मैं तो खाते पीते रहता। तो अभी वही कि मॉम तो है दिल्ली में, इसके मॉम है अफ्रीका में, तो हम बस उनको वीडियो कॉल कर लेंगे। और यशु को हम सुबह सर की देखे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम अगर टाइम मिला, मैं टाइम से घर पहुँच गई, तो हम ज़रूर यशु को देखने जाएंगे, मिलने जाएंगे रात में जब सेलिब्रेट करते करवा चौथ दो चांदवन देख के। तो अभी जा रहे घर, नॉर्मल डे हमारा लिए स्टार्ट हो चुका है। मैं जा रही घर जा रही हूँ, तो मैंने बोल दिया अभी जा रहे घर, अभी नहीं और घर नहीं जा रहे, अभी जा रहे ऑफिस। जा रही हूँ ऑफिस, मेरा बैग, मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस, खाने का डब्बा। तो हम जा रहे हैं ऑफिस, और मिलते हैं शाम को। गाइस हैप्पी करवा चौथ। आपको लग रहा होगा हमारे घर में दिवाली है, पर ऐसा नहीं है। इन्होंने हम ना शूट कर रहे थे अपना एक, मेरे को कुछ ये रिंग्स वगैरह कुछ आए थे शूट के लिए, जीवा के इसके जीवा के ना हम शूट कर रहे थे। पर इन मैडम को इतनी जल्दी, एक तो शूट करना भूल गई, फिर ऊपर से अब इनको इतनी जल्दी थी, तो इन्होंने क्या करा ये देखो, ये गिर गई बेचारी, तो उसने टेप को निकाला और गुड़मुड़ी कर दी और लाइट भी हटा दी। इसलिए कहती हूँ इसको ना वीडियो बनाने का मन नहीं होता, ना ये बनाती ढंग से, और अब मेरे से टेप मांग रही है। हां तो अच्छे से मामू इधर बंद करके रखा मुझे, जो मैंने कहा बंद करा है तुमको, कहां है टेप? गाइस मेरे को ना गुस्सा आ रही है मेरे को बहुत तेज। बाय बाय, बज गए हैं रात के 9। हम ये स्टार्ट करें ये क्योंकि ये आती है ऑफिस से लेट। मैं जल्दी आ गया, ये आई लेट, इसने किए सारे काम। 8 बजे आई मैं तो मैं ठीक है 8 बजे आई, उसके बाद हम शूट पे लग गए, बज गए 9। ये ऐसे बात है, देखो ये ऐसे रेडी हुई थी आज हमारे शूट के लिए। ये शूट था, ये शूट आपको पहले से दिख जाएगा इंस्टाग्राम पे। इसके कुछ चीजें जो यहाँ पे लड़ी, जो इसने गिराई भी दिखा दी, वो मैंने हटा दी, जिसके लिए इसने मेरे पे बड़ा वाला इल्जाम लगा दिया। लाइट मैंने हटा दी, जिसका इल्जाम इसने मेरे पे लगा दिया, वो सारी लाइट और
जो लोग गलत करते हैं उनको लगती है अपने आप मारा भी नहीं और मेरे लड़की को फोन में नहीं पकड़ने यार अपने आपको इतना कोने में कर देती इस एरिया में मैं किसी और को भी खड़ा कर दूं आ जाओ गाइस कोई आना चाहता है ना वीडियो में कोई और आना चाहता है खड़े हो सकता मैं वीडियो में दो किलो का फोन है इनका क्यों लिया इतना महंगा फोन जो इतना हैवी है इतना महंगा होने के बाद भी इतना हैवी है क्या मतलब है फिर तो ओके हमारी लड़ाई तो चलती रहेगी तो आने के बाद आज का बचाते जैसे सबको पता है और आने के बाद हम कर रहे थे शुरू क्योंकि वो कल ही पोस्ट होना है मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट है क्योंकि बहुत अर्जेंट था और ऑफिस आइए ये मेरा रूटीन है ऑफिस से आती हूँ ये सब करती हूँ फिर अभी हमें खाना बनाना है हम दोनों में से किसी ने खाना नहीं खाया और हमें ना यशु के पास भी जाना था मिलने के लिए तो पता नहीं हम जा पाएंगे या नहीं अगर गए तो यहाँ पे आगे आपको वीडियो मिल जाएगा अगर नहीं गए तो हम उनकी फोटो दिखा देंगे क्योंकि यशु कैसे लग रही थी करवा चौथ पे क्योंकि हम भी देखना चाहते थे उसको शादी के बाद उसका फर्स्ट करवा चौथ है इसलिए और मैं थक गई बोल के मैं जा रही हूँ मैं चेंज करूंगी और फिर मैं खाना आऊंगी खाने बन रहा है जो क्या बन रहा है बर्गर आज हम खाने बना रहे हैं बर्गर तो अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई तो हम बर्गर की वीडियो बना लेंगे अगर ज्यादा वीडियो बन गए वीडियो लिमिट में रही तो बर्गर की ऐड कर देंगे चलो बर्गर की ऐड हो गए हम खाना खा के तैयार बर्गर बना था बर्गर हमने दिखाया नहीं क्योंकि भूख लग रही थी हमें बहुत जोर से भूख लग रही थी लेट हो चुकी है ऑलरेडी मैंने मेकअप अभी तक हटाया नहीं है मैं सोच रही हूं वापस आके तभी हटाएंगे और हेयर स्टाइल तो बनाई हुआ है चलो हम जा रहे हैं ये मैंने पहना है कुर्ता चलो कहाँ जा रहे हो तो बता दे यशु के घर फाइनली फाइनली यशु के घर एक्चुअली हो रहा था ऐसा कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे बट फिर हमने सोचा चले ही जाते हैं तो जल्दी से होके आ जाते हैं उनके घर पे भी अपने माथे पे ये देख लो जरा लगा ये बनेगा निग्रो अफ्रीकन ऐसे ही है क्या ये हाँ हाँ ऐसे ही है ये बना अफ्रीकन इसका देख लो इस चीज पे तेरा मन फिसल गया टू मच ऑफ लव्स सेक्सी है गाइस क्या क्या है क्या है लोग आपको कमेंट करेंगे अपनी बीवी पे ध्यान दो सेक्सी कमर है इसकी ये कभी ऐसी हरकत कभी नहीं करती नन लगा ले लगा ले यार नन लगा ले बाल खींचते एक मिनट अरे तो दिखा एक बार यहाँ पे आ चुके हैं तो हम लोग अभी कुछ खाएंगे पिएंगे हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया पायल दिखा दो गाइस को गाइस देखी तो है तेरी पायल इसने वो पायल नहीं पहनी जो भिजवाई थी इस पायल ने वो पायल पहनाई नहीं जो हमने दी थी सॉरी गाइस ये वाली पहन ली थी इसने मैंने नहीं पहनाई क्यों नहीं पहनाई बताया जाए इसने बोला था करो जो मैंने बोला था इनको अभी आते आते कि मुझे पहना दो वो पायल निकाल के और से अभी थोड़ी देर के बाद अब लड़ाई होगी अभी लड़ाई होगी मैंने कसम से मैंने बोला पूछ ले मैंने कहा मेरे को पायल पहना दो ये बात हुई पता नहीं इसको कहते नहीं तो सिर्फ मेरी दी हुई पायल पहनेगी अच्छा मतलब हम कुछ है ही नहीं पहननी नहीं है एवी नाम है यार बोला गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली यशु के पास जो एक्चुअली हमने सोचा था कि हम नहीं आएंगे हिम्मत करके मैंने कहा चल चलते ही है तो दिखा देते हैं हमारे जिसने चेंज कर चुके हैं क्योंकि मैंने इनका बहुत वेट किया मुझे पहले ये था कि लोग 8 बजे निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे बट इन्होंने 9 बजे बोला कि हम निकल रहे हैं और 10:30 बजे चांद निकला तो फिर बस मैंने पूजा वूजा करके चेंज कर लिया गाइस तो कोई बात नहीं ऐसे लुक में भी मैं कोई बात नहीं करवा चौथ वाला वीडियो तो आप इनके चैनल पर देख ही लोगे तो लहंगे में उधर देख लेना इधर सूट में देख लो देख लेना और क्या तो हमने ना एक तो चड्डे में लुक दिखा दिया और एक सूट में तो भाई क्या था नहीं तो सारे लोग ये बोलते हैं ना यार ये व्लॉग तो हमने ऑलरेडी उनके चैनल पर देख लिया हाँ और पायल उधर बैठे देखो यार ये हद है ले सकते हैं ये देखो कोई बात नहीं मोटी तो गाइस अब हम क्या करेंगे अब हम थोड़ी गप्पे शप्पे करेंगे जो कि आज बाहर से ऑर्डर किया है क्योंकि मेरे पति को मेरी बहुत चिंता हो रही थी बार बार भाई 4 बार चांद देखने गए हैं कभी नीचे कभी ऊपर 4 से भी ज्यादा बार ये कह लो पायल को भूख लग रही थी
ये भी हो सकता है भाई, क्या पता मेरे को दिखाने के लिए गए हो कि भाई मेरी बीवी को भूख लग रही है, प्यास लग रही है। नहीं बाबा, मैंने बोला भी एक बार, मैंने कहा आप क्यों गए हो देखने, बाबू तो सब से कुछ खाया पिया नहीं है ना, मैं कितने चिंता हो रही थी, ज्यादा नहीं खा सकते ना पागल, सही में ताकि आपको खाना जल्दी मिल जाए, मेरी कोई चिंता नहीं थी ना आपको, मेरी चिंता थी और क्या, लग तो नहीं रहा, चिप्स तो आप ही भर रहे हो तब से दोनों के दोनों, पेड़ देख लो यहाँ पे ऐसे बब्स आए जा रहे हैं, अगले साल में बोलूँ कि डुकू करवा चौथ का फास्ट करो, जबरदस्ती दोनों भरोगे एक दूसरे का, लगेगा है ना, अच्छा सुबह का पराठा है, ये अभी ऐसी बातें चलती रहेंगी, गपशप होते रहेंगे और ऐसे हम मस्ती करते रहेंगे, तो ये ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, सायोनारा टाटा बाय बाय, डू लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, आल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो all of us on Instagram. Thought of bye bye. Bye guys. Tata.